Very good morning to all of you. This is your SST period, and yesterday we started chapter number 1 of history. The East India Company arrives is your first unit of history, and chapter number 1 is how, when and where. So kal maine aapko history ke bare mein kuch bataya tha ki history mein hame kis cheez ki knowledge milti hai, hame pata chalta hai past ke bare mein, hai na. बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं. SB1 कल हमने रीड कर लिया था. टुडे वी विल डू SB2, SB3 एंड SB4. सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 36. ओपन योर सप्लीमेंट्री बुक एट पेज नंबर 36. ओके, लेट्स स्टार्ट. आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि कैसे जो इंडियन हिस्ट्री है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग पार्ट्स में. सो जो डिवीज़न है हमारी हिस्ट्री की वो अलग अलग पीरियड्स में हुई हुई है, जिसको हम बोल देते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. सो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो. तो इसमें 3 पीरियड्स हैं, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3. जो पीरियड नंबर 1 रहेगा वो 100 CE टू 700 तक रहेगा. CE की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कल, कॉमन एरा होती है. एंड जो पीरियड 2 रहेगा वो 700 से 1700 तक रहेगा, और जो पीरियड 3 रहेगा वो 1700 से 2000 CE तक रहेगा. अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. NCERT का बुक का जो पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे बेटा, आज हम सप्लीमेंट्री बुक का ही पढ़ रहे हैं. अब इसमें देखो, इससे आपको पता चलेगा कि कौन से पीरियड में कौन सा जो मतलब रिलीजन था वो रूल कर रहा था. तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीरियड नंबर 1, 100 CE टू 700 CE, तो उस टाइम पीरियड में जो हिंदू पीरियड था वो रूल कर रहे थे, जो कि जेम्स मिल में आ जाते हैं. और सेकंड पीरियड जो था आपका 700 CE टू 1700 CE, उसमें जो रूल कर रहे थे वो थे मुस्लिम्स, मुस्लिम पीरियड चल रहा था. एंड थर्ड वन इज 1700 टू 2000 CE. ओके, CE कॉमन एरा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. तो इसमें जो पीरियड चल रहा था वो ब्रिटिश का चल रहा था. आई होप आप सबको ये लर्न भी हो गया होगा कि पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3 में कौन कौन से जो थे रूलिंग पार्टी. अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने करना है कि क्लासिफिकेशन जो हुई थी 3 टाइम पीरियड की, वो थी एक एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड. जो 700 था, फर्स्ट पीरियड था, तो वो एंशिएंट पीरियड था, लाइक प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्ट्री से पहले वाला. उसके बाद जो सेकंड पीरियड आ जाता है वो है 700 CE टू 1700 CE, इसमें आपका आ जाता है मेडिवल पीरियड. एंड थर्ड जो है आ जाता है इसमें 1750 टू 2000 CE, वो आ जाता है मॉडर्न या फिर प्रेजेंट पीरियड या प्रेजेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट में आ जाएगा ये. ओके, तो अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 किया. उसके बाद हमने क्या किया था कि किस किस का रूल चल रहा था, लाइक सबसे पहले जो था सबसे पहले हिंदू का था, फिर मुस्लिम और फिर ब्रिटिश का था. उसके बाद हमने पढ़ा कि इसको क्लासिफिकेशन किया गया एज एन एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट स्लाइड. तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है. इसमें सबसे पहले हिंदू पीरियड है, मुस्लिम है और फिर ब्रिटिश है. अब जो डिवीज़न थी वो ये इग्नोर करती थी अलग अलग रिलीजन को, कि वो इकट्ठे रह रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर किया जाता था. इट फोकसेस ओनली ऑन रिलीजन ऑफ रूलर, सिर्फ जो रूलर्स थे उनके रिलीजन के ऊपर फोकस किया जाता था. बाकी जो थे, अदर पीपल थे, उनकी लाइफ्स कैसे थी, उनको सबको इग्नोर किया जाता था, वो इनको इम्पॉर्टेंट नहीं मानते थे.
नेक्स्ट बेटा आपका आ जाता है कि इसकी लिमिटेशंस क्या रहेंगी जो हमारा हिस्टोरियंस पीरियडाइजेशन है। तो इसमें सबसे पहले एंशिएंट है, फिर मेडिवल है, फिर मॉडर्न है। इनकी जो डिवीज़न है वो सिर्फ पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल को ही मतलब क्लासिफाई करती है इन इंडिया। मॉडर्न को करती है जिसमें कोई इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, प्रोग्रेस नहीं था ब्रिटिश रूल के अंडर। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं टू कॉल द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन कॉलोनियल इंस्टेड ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न को नहीं इतना प्रेफर करते हैं, किसको प्रेफर करते हैं, ब्रिटिश रूल को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म कॉलोनियल मीन्स। अगर हमने इसके पीछे के जो रीजंस हैं अगर उनको देखना है तो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि कॉलोनियल का मीनिंग क्या होता है। तो ये कॉलोनियल पीरियड जो था, द ब्रिटिश यूज फोर्स टू रूल ओवर इंडिया। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो आपको पता ही है कि वो मतलब फोर्स करते थे कि उन्होंने रूल करना है इंडिया के ऊपर, और जितने भी सारे रिसोर्सेज थे उनको वो एक्सप्लॉइट कर देते थे। ओके, देर वॉज नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी इंडिया में, कोई इक्वालिटी नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी ब्रिटिश रूल के अंडर। तो कुछ हिस्टोरियंस जो थे इस पीरियड को मॉडर्न की बजाय क्या बोलते थे, कॉलोनियल। समझ आ गया, जो ब्रिटिश का पीरियड था उसको ही बोला जाता है कॉलोनियल पीरियड, क्योंकि तब जो था ना ही वहाँ पर इक्वालिटी थी, ना ही डेमोक्रेसी थी, ना ही कोई प्रोग्रेस हो रहा था और ना ही फ्रीडम थी। अब ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि सबसे पहले हिंदू पीरियड चला था जो कि था 100 to 700, इसको हम एंशिएंट बोल देते हैं। फिर मुस्लिम चला 700 to 1700 मेडिवल में, फिर उसके बाद ब्रिटिश चला 1700 to 2000, जिसको मॉडर्न और कॉलोनियल हम बोल देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आ जाओ बेटा अपनी सप्लीमेंट्री बुक पे। इसमें SB2 को देखो। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इसमें डाउट रहेगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट अगर डाउट हुआ तो क्लियर हो जाए। अब इसमें पीरियडाइज कैसे करते हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। 3 पीरियड्स के बारे में हिस्टोरियन जो है स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में, कुछ जो इवेंट्स हुए, चेंजेस हुए पीरियड ऑफ टाइम में, उनको ये मतलब हैं जो रिकॉर्ड रखते हैं। अब जो हिस्ट्री है उनको डिफरेंट टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, जो कि 3 टाइम पीरियड हैं। फर्स्ट वॉज 100 to 700 CE वॉज ऑफ हिंदू पीरियड, ठीक है, जिसको हम एंशिएंट भी बोल देते हैं। सेकंड था 700 to 1700 जो कि मुस्लिम पीरियड था, और इसको हम मेडिवल पीरियड भी बोल देते हैं। थर्ड जो था वो था 1700 CE to 2000, जिसको हम मॉडर्न भी बोल देते हैं, प्रेजेंट भी बोल देते हैं, जो कि ब्रिटिश पीरियड था। आई होप आप सबको ये क्लियर है। अब आगे है हाउ अदर हिस्टोरियंस पीरियडाइजेशन इंडियन हिस्ट्री। कुछ हिस्टोरियंस ऐसे होते हैं जो कि मिल्स पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो ऊपर हम करके आए हैं पीरियड्स, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि नीचे दिखाया जाएगा। दिस डिवीजन जो ये बेस्ड है वो ह्यूमन की प्रोग्रेस के ऊपर बेस्ड है, और जो भी अब डिवीजन की हुई है वो मॉडर्न पीरियड के अकॉर्डिंग की हुई है, क्योंकि तब जब 3 पीरियडाइजेशन में इन्होंने डिवाइड किया था तब ना ही कोई इक्वालिटी थी, ना ही फ्रीडम थी, ना ही प्रोग्रेस थी उस टाइम पीरियड में। तो इसीलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे जेम्स मिल की पीरियडाइजेशन को, तो उसके लिए हमने क्या किया, लेटर इन्होंने नई जो थी डिवीज़न की। ओके, सबसे पहले आ जाती है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कौन सा है, किस लिए करा गया इसको। तो इसको कॉलोनियल पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, फोर्सफुली इंडिया के ऊपर रूल करना चाहते थे, और सारे जो भी हमारे रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉयट कर रहे थे, जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट बेटा आ जाता है आपका SB3। SB3 में देखो क्या है, ओपन योर बुक्स। सबसे पहले यहाँ पर रेवोल्यूशंस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमारा आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,
फिर आया था यहाँ पर नीड फॉर रिसोर्सेज की, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, और फिर कॉलोनाइजेशन के बारे में बताया गया है। अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था 18 सेंचुरी में, जब भी इंट्रोडक्शन हुई थी न्यू मशीन्स टेक्नोलॉजी की, वो मतलब बहुत सारे नंबर्स में यहाँ पर क्या किए गए थे, प्रोड्यूस किए गए थे बाय फैक्ट्रीज। सेकेंड आ जाता है रिसोर्सेज की नीड। यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उनको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे ताकि वो करना हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ को रन कर पाएँ, और वो सर्च करना स्टार्ट हो गए कंट्रीज़ के बारे में दैट कुड सप्लाई द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। वो सर्चिंग करते थे अपनी कंट्रीज़ के लिए जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए थे ताकि वो दूसरी कंट्रीज से अवेलेबल करवा सकें। थर्ड हमारा आ जाता है कॉलोनाइजेशन। यहाँ पर जो यूरोपियंस थे उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में वो गए और कॉलोनीज वहाँ पर बन गई। ये जो रूल था यूरोपियंस का, इनका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था किसके ऊपर, सोशल के ऊपर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर्स के ऊपर। ओके, तो बेटा लास्ट आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट नंबर 3 एट पेज नंबर 38। ये आपका आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद सप्लीमेंट्री बुक के अकॉर्डिंग हमारा जो चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुका है। टुमारो वी विल रीड दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। सो टुडे योर वर्क इज़ यू हैव टू लर्न कीवर्ड्स विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 39। सो लेट्स स्टार्ट कॉन्सेप्ट टाइम 3, सोर्सेज टू स्टडी कॉलोनियल हिस्ट्री। अगर हमने कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है तो कौन से सोर्सेज जो हैं हमें चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा 250 ईयर्स पहले क्या हुआ था इंडियन हिस्ट्री में। अलग अलग सोर्सेज जो हैं हमें हेल्प करेंगे टू स्टडी द प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो ये कौन से रिसोर्सेज हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे आएंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और फिर आएंगे नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब ऑफिशियली तो हम बोल सकते हैं जो मतलब एज ए लीगली लिखे गए होंगे, है ना, ऑफिशियली लिखे गए होंगे, और नॉन ऑफिशियली होंगे जो जिसने ऑर्डिनरी पर्सन्स ने लिखे होंगे, लाइक अस, हमारे जैसे कोई पर्सन्स होते हैं वो लिख देते हैं ना, वो डायरीज वगैरह में बुकलेट्स बनाते होते थे। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में आपका आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड आ जाएगा, आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स आ जाएंगे, सर्वेज एंड सेंसस आ जाएगा। ये 3 टॉपिक्स जो हैं इसके अंडर आते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंडर। और जो नॉन ऑफिशियल के अंडर आएंगे यहाँ पर डायरीज आ जाती हैं लोगों की, या फिर न्यूज़पेपर और बुकलेट्स आ जाते हैं। तो ये तो है, मैं कल और डिफाइन करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी इन जो सोर्सेज को। तब तक आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड्स को लर्न कर लेना और इस चैप्टर के रिलेटेड जो है डायग्राम बना लेनी है। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। बाकी आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट टाइम थ्री तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू मी चैप्टर नंबर 1 जो है सप्लीमेंट्री बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट है, कल हम एनसीईआरटी की बुक से करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग बेटा।